नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। मित्रों, यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा आपकी समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपसे राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज मंगलवार का रहेगा, महीना जो है वो चैत्र का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:19 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:09 तक चलता रहेगा। और इसके आगे कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 2:05 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:35 तक चलता रहेगा। और इसके आगे धनिष्ठा नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो सिद्ध नामक योग बन रहा है, जो कि यह 2:03 तक चलता रहेगा। और इसके आगे साध्य नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के ठीक 6:18 पर, और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 6:40 पर, और चंद्र उदय का जो समय है उसका टाइमिंग रहने वाला है रात्रि के 2:43 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक 2:44 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज दिन का शुभ समय यह 2:12:04 से लेकर ठीक 12:53 तक चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह 2:03:35 से लेकर ठीक शाम के 5:07 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्त, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें और ना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकता है। लाइफ एक खेल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो बीत गया उससे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, कर्म का फल वक्त देगा। जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेते रहेंगे। यह सच है कि 1 मिनट में जिंदगी बदलती नहीं है, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला सारी जिंदगी बदल जाती है। इंसान मतलबी नहीं होता है, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें आपकी उसकी कोई कदर नहीं हो। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब किसी का नहीं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कुंभ राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे कुंभ राशि का दैनिक राशि फल। ऐसी स्थितियां आ सकती है जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाएं। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर यह शुद्ध स्तर में काम करना है। अपने छोटे भाई बहन के साथ सुरक्षा रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह से सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहाँ तक आपका बहुत स्वागत भी होगा। स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल की अगर बात करें तो आज आप ऊर्जा से भरे हैं और सच में कठिन मेहनत वाले काम करने के तैयार हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपकी टीम के बाकी सब लोगों से भी बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा। घर पर भी आपके सभी तुलना में जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, जिसमें आपको परियोजनों से अच्छा लगेगा। और सुनिश्चित करें कि स्वाभाविक रूप से यह ट्रेंड बना रहे हैं। प्यार और संबंध राशि फल की अगर बात की जाए तो जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग अलग रखेंगे तो काफी हद तक इस तूफान का आसानी से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य को आप साथी के उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। करियर और धनराशि फल की अगर बात की जाए तो आपके व्यवसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप मजबूत भावना के साथ पेशेवर में दौड़ लगा पाएंगे।
और वापस स्थिति में होंगे, आपको अपने पद और आय एक समान बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। और अभी तक आप अपने कार्य क्षेत्र और इसकी तुलना में आप काफी अल्प प्राप्त कर रहे थे। अगर आप इस जानकारियों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय हनुमान जरूर लिखें। आज के दिन सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।